रही हो? बिंदा बस बस करो, जाओ यहां से। तुम ठीक हो? हाँ जी। पता नहीं क्या हो गया बिंदा को। बस करो ये ड्रामा गौरी बहुरिया। अरे ये यहाँ अपने प्यार को पाने के लिए आई है। तुम हमको ही के खिलाफ भड़का रही हो? जरूर उस रिश्का ने छोटी माई पर कोई जादू किया था, भी छोटी माई हमारी बात नहीं मान रही थी। हमें जल्द से जल्द रिश्का के सारे राज खोलने पड़ेंगे, वरना वो पूरा घर तबाह कर देगी। और जब तक वो इस घर में है, तब तक हमें उससे गर्व जी की रक्षा करनी होगी। ये हल्दी कुमकुम उस टायन को हमारे कमरे में नहीं आने देगा, और आज रात हम गर्व जी को भी इस कमरे से नहीं जाने देंगे। भगवान हमें रास्ता दिखाओ, भगवान हमें रास्ता दिखाओ। हल्दी काम कर गई, गर्व जी ने हमें गले लगा लिया।
भगवान जी, हमारा सुहाग हमें लौटाने की। भगवान की भक्ति में लीन है। गर्ज जी, अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप देंगे? इसे पहन लीजिए। इसे सिर्फ ताबीज मत समझिए, ये हमारा प्यार है। तुम मानोगी नहीं, पहना दो। इस हल्दी की वजह से मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। मना लो ये छोटी सी खुशी गौरी, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी खुशी है। गर्व जी ने हमारी बात मानकर ये ताबीज पहन लिया, ये हमारी पहली जीत है और ऋषिका की हार है। लाइए, हम दवा लगा देते हैं। वैसे हमने आज तक गर्व जी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। वो गर्व नहीं था, हमने उस वक्त एक अजीब सी ताकत महसूस किया उसके हाथ में करता। मानो ऐसा लग रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान हो। कुछ तो अजीब था गंगा। जरा सोचो, अगर ऋषिका के खिलाफ एक भी खराब शब्द सुन के अगर कर्व ऐसा जानवर बन सकता है तो उसे तो ऋषिका के पास वापस चले जाना चाहिए ना। आखिर पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता। जरूरी नहीं कि पहला प्यार सच्चा ही हो, बहुत बार पहला प्यार भी आपको धोखा दे जाता है। ये दाग बस चंद दिनों के लिए है। हमारा प्यार तो आपके लिए हमेशा के लिए है ना। नहीं, एक चेहरे पे दाग वाली लड़की के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। पंडित जी,
क्या हुआ आपको? डायन, पंडित जी, डायन ऋषिका आई थी क्या यहाँ पर? आप इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं छोड़ सकती। हमें ऋषिका से जीतना है, उसे हराना है। आपने जो ताबीज दिया था वो हमने गर्व जी को पहना दिया। हमने बोला है उन्हें कि वो कमरे से बाहर ना निकले, लेकिन कब तक पंडित जी हम अपने गर्व जी को ऋषिका से ऐसे बचाते रहेंगे? हमें कैसे भी करके उस डायन का खात्मा करना होगा। कुछ तो उपाय बताइए ना। वो संदूक पंडित जी, डायन विनाश विधि, डायन को कैद करने के लिए और उसे हराने के लिए हमें उसकी चोटी काटनी होगी। डायन को कैद करने के लिए हमें माता रानी के त्रिशूल से उसके जादुई पत्थर को भेदना होगा, और उससे पहले हमें उनके त्रिशूल को अभिमंत्रित करना होगा। और ये विधि करने वाले की जान भी जा सकती है। हमें हर हाल में ये विधि करनी ही होगी। अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अगर हमें जान की भी बाजी लगानी पड़े तो हम लगाएंगे, लेकिन हम अग्रवाल खानदान को यूं तबाह नहीं होने देंगे। हे दुर्गा माँ, हमें अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए आपके इस अभिमंत्रित त्रिशूल की जरूरत है। अब आपका ये त्रिशूल ही उस ऋषिका का खमंड तोड़ पाएगा। और हमने किताब में पढ़ा कि आपका आशीर्वाद पाने के लिए हमें आपको प्रसन्न करना होगा। वर्ष पर बिना फिसले, बिना हिम्मत हारे कठोर नृत्य करना होगा, जिससे आप प्रसन्न होंगी। और जब आप प्रसन्न होंगी तब ये दिए खुद ब खुद जल उठेंगे, और ये त्रिशूल पत्थर को चीरते हुए खुद ब खुद चमकने लगेगा। हम आशा करते हैं आज हम आपको अपनी साधना से प्रसन्न कर पाए। आज जब तक आपका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक हमारे पैर नहीं रुकेंगे। हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, पर आज हम आपका आशीर्वाद लेकर ही रहेंगे। आपको प्रसन्न करके ही रहेंगे।
पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी होने भी शुरू हो गई है। कहीं मेरी बेचैनी की वजह वो गौरी तो नहीं? कहीं वो मुझे मिटाने के लिए कोई नई दिव्य विद्या का उपयोग तो नहीं कर रही? जरूर गौरी की साजिश है। मुझे कुछ करना होगा। गर्व को कमरे से बाहर निकालने का एक तरीका है। मुझे अब मेरी सारी काली शक्तियों का असली रूप दिखाना होगा। अब ऋषिका नहीं, गौरी ही गौरी को खत्म करेगी। गौरी का रूप लेकर मैं गर्व को बाहर निकालूंगी और गर्व के हाथों ही गौरी की हत्या करूंगी। गौरी, अब तेरी जीवन रेखा पर पूर्ण विराम लगने वाला है। ये सब्जी मंडी बनकर क्यों आए? सब्जी मंडी नहीं, अपना घर भूत मंडी बनने वाला है। दीदी बचा लो घर को। बिंदा क्या है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? गायन बिंदा बाहर निकलो। कौन है इस घर में डायन? क्या कहने की कोशिश कर रही हो बिंदा? अरे दिमाग के दरवाजे पे ताला लगा रखा है का? अरे डायन से बचने की किताब दी है तो डायन से बचने का ही बात करेंगे ना। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। तुम दिन भर फोन में घुसी रहती हो, इसीलिए सारे वहम हो रहे हैं तुम्हें। दिमाग नहीं, ये घर खराब होने वाला है। अरे वो डायन हम सबको खत्म कर देगी। ये पकड़ो और इस घर में ये सारा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। उतारो इसे। इस घर में सब पागल हो गए, सबको इलाज की जरूरत है। जब तक शकुंतला के सामने सबूत नहीं आएंगे ना, तब तक ही नहीं मानेगी।
हमें किसी भी हालत में ऋषिका की असलियत शकुंतला के सामने लाना ही होगा, किसी भी हाल में। सरा एक मिनट के लिए बाहर आइए ना। बस कुछ कदम और फिर हमारी काली शक्तियों की जीत होगी और गौरी की दिव्य शक्तियों की हार होगी। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कवर्दिनी शैलसुते। तुमने खुद मुझे कसम दी थी इस कमरे से बाहर ना निकलने की, जब तुम मुझे खुद बाहर क्यों बुला रही? गौरी कुछ पूछ रहा हूं मैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.